आप सब। तो आज हम चर्चा करेंगे स्पीशीज इन न्यूज की। बहुत सारे स्पीशीज अलग अलग कारणों से चर्चा में रहते हैं और उनका IUCN स्टेटस, उनका कंजर्वेशन स्टेटस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, खास करके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज MCQs काफी पूछे जाते हैं कि इसका IUCN स्टेटस क्या है, कहाँ पाया जाता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वगैरह वगैरह। तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस सेशन में, प्रेजेंटेड ओनली बाय मी राहुल अग्रवाल। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों इस चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल UPSC। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत सा बान आउल, ठीक है। सो ये बान आउल बेसिकली ये न्यूज में था। आपको ये जान के बड़ी ही हैरानी होगी कि इनका यूज क्यों किया जा रहा है। इनका यूज किया जा रहा है रैट्स, जो चूहे होते हैं ना, उनको कंट्रोल करने के लिए। सो बेसिकली लक्षद्वीप में चूहों ने जबरदस्त तरीके का आतंक मचा दिया है और उस वजह से लक्षद्वीप में जो नारियल है ना, कोकोनट, कोकोनट की जो ईल्ड है वो बर्बाद हो रही है चूहों के कारण। सो भाई लक्षद्वीप वालों ने ये सोचा है कि हम यूज करेंगे बान आउल का ताकि वो रैट्स को कंट्रोल कर सके और हमारा जो कोकोनट है वो बच सके और हमारी इकोनॉमी को नुकसान ना हो, ठीक है। बिकॉज कोकोनट जो है लक्षद्वीप आइलैंड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैश क्रॉप है और चूहों ने कम से कम कोकोनट की जो ईल्ड है वो 30 से 40% रिड्यूस कर दी है। तो सीधी सीधी सी बात है ना भाई, इकोनॉमी को असर पड़ेगा, नुकसान होगा, एंड दैट इज द रीजन वाई कि बान आउल की यहाँ पे नीड पड़ी और इस वजह से हम इसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसका साइंटिफिक नेम है टाइटो एल्बा एंड इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ आउल्स टाइटो नीडे। ओके, इट बिलोंग्स टू दिस फैमिली टाइटो नीडे। एंड इसका अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताऊं तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका है बेसिकली द स्पीशीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, देन उसके बाद अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, ठीक है, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड्स। ओके, सो इट इज मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीशीज ऑफ आउल एक्सेप्ट इन डेजर्ट रीजन्स और पोलर रीजन्स। बाकी आपको ये बहुत जगह दिखेगा, बहुत जगह। इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न एंड इट कम्स अंडर शेड्यूल 4 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इज दैट क्लियर? अब आप यहां पे ये सोचिए कि यहां पे चूहों को खत्म करने के लिए बान आउल को ही क्यों रिक्रूट किया गया है। यहां पे हम बिल्लियों का, कैट्स का भी तो यूज कर सकते थे, रेड स्नेक्स का भी तो यूज कर सकते थे। तो उसका कारण ये है दोस्तों कि भैया यहां पे जो रेड्स है ना लक्षद्वीप में, ये ट्री टॉप्स में रहते हैं, ट्री टॉप्स में, तो वहां पे कैट्स उतनी ज्यादा काम नहीं आएंगे जितनी ज्यादा ये आएंगे। और केमिकल एजेंट्स का यूज भी किया जा सकता था, लेकिन लक्षद्वीप जो है वो एग्रीकल्चर जो है अपनी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता है, तो वहां पे केमिकल एजेंट्स का यूज इम्पॉसिबल है। दैट इज द रीजन यहाँ पे बान आउल का यूज किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस भी हैं। बंगाल में इसको बेसिकली जो धन धन की पूजा की जाती है ना, धन की माता लक्ष्मी, सो बंगाल में इसको कैरियर ऑफ लक्ष्मी माना जाता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है और बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, कि भाई बान आउल रिसेंटली सीन इन द न्यूज और दो तीन स्टेटमेंट आपको इससे दे दिया जाएगा, दो तीन स्टेटमेंट आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। आगे चले, ग्रिजल जायंट स्क्विरल, ग्रिजल जायंट स्क्विरल। सो बेसिकली ये न्यूज में क्यों था? ये न्यूज में इसलिए था बिकॉज ईस्टर्न घाट्स में, तमिलनाडु में, तिरुवन्नामलाई फॉरेस्ट में से स्पॉट किया गया। देन उसके बाद पक्कामलाई रिजर्व फॉरेस्ट जो है तमिलनाडु के पास, वहां पे भी ग्रिजल जायंट स्क्विरल के नेस्ट रिसर्चर्स ने स्पॉट किए हैं, तो इस वजह से ये न्यूज में था। इसका स्टेटस आप देख सकते हैं, इट इज लिस्टेड एज नियर थ्रिएटेंट इन IUCN रेड लिस्ट। देन साइट्स की शेड्यूल 2 में ये लिस्टेड है और हमारे WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में ये लिस्टेड है। द जायंट ग्रिजल, बेसिकली द ग्रिजल्ड जायंट स्क्विरल इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स, यूजुअली नोन टू नेस्ट इन द रीजन रेंजिंग फ्रॉम चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन केरला टू अनामलाई टाइगर रिजर्व एंड पलानी हिल्स इन तमिलनाडु। तो देखो दोस्तों,
ये स्पीशीज न्यूज में रहते हैं, स्पीशीज के बारे में तो आपको पढ़ना होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जो टाइगर रिजर्व्स, ये कौन कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ लोकेटेड है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी आते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। सो जायंट स्क्विरल्स आर नेम्ड फॉर द व्हाइट फ्लेक्स ऑफ हेयर दैट कवर देयर ग्रेश ब्राउन बॉडीज गिविंग देम अ ग्रिजल्ड लुक। तो आप यहां पे देख सकते हो ये चीज। ओके देन उसके बाद न्यूज में था ढोल। ओके सो इट्स लुकिंग लाइक बेसिकली अगर आप देखोगे तो इट्स लुकिंग लाइक डॉग, बहुत ज्यादा सिमिलर आपको लगेगा, हालांकि टेल जो है वो काफी डिफरेंट है, और मतलब डिफरेंस तो आप नोटिस कर ही लोगे अगर आप डॉग से कंपेयर करते हो। तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दे रैंक हाई इन द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ढोल इन इंडिया अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी। और ये स्टडी किसने कंडक्ट की? ये स्टडी कंडक्ट की बाय द साइंटिस्ट फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट एंड द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज। तो आपको इन सब के बारे में भी पढ़ना है, आपको पढ़ना है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट क्या है, आपको पढ़ना है कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज कहाँ है, क्या करता है, क्या नहीं करता, आपको पढ़ना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया के बारे में भी, क्योंकि इन सब ने मिलकर ये स्टडी की है जिससे पता चला है कि ये तीन स्टेट्स जो है इंडिया के वो बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं इन द कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड ढोल। ठीक है, सबसे पहली चीज तो आपको ये सब पढ़ना है। देन उसके बाद अबाउट दिस, सो ढोल क्यून एल्पिनस, ये जो है इसका साइंटिफिक नेम है, ये वाइल्ड कार्निवोरस एनिमल है, इट बिलोंग्स टू द केनाइन फैमिली फाउंड इन सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इन्हें एशियन वाइल्ड डॉग्स भी कहा जाता है। ये मतलब नॉर्मल डॉग से बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं भैया। ओके, इनका इकोलॉजिकल रोल अगर हम देखें तो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एज एपेक्स प्रीडेटर्स इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में एक प्रीडेटर का काम ये जरूर प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये भी। अगर हम इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखते हैं तो IUCN रेड लिस्ट में इनकी बेसिकली जो लिस्टिंग है वो है इंडेंजर्ड। देन साथ ही साथ द स्पीशीज इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड अंडर अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइट्स। साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इन इंडिया द फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर ढोल वॉज बिल्ट एट इंदिरा गांधी जुअलॉजिकल पार्क इन 2014। और अगर हम इसके कुछ थ्रेट्स देखते हैं तो भाई ऑनगोइंग हैबिटाट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कॉरिडोर्स के फ्रेगमेंटेशन की वजह से बेसिकली इनका जो हैबिटाट है वो लॉस का खतरा एक होता है। देन डिप्लीशन ऑफ प्री बेस। ओके सो उनगुलेट्स आर मेन प्रे ऑफ ढोल्स हुज पॉपुलेशन इज रैपिडली डिक्रीजिंग। बेसिकली जो इनका मेन प्रे है जिस पे ये शिकार करते हैं, अगर उसकी संख्या कम हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि इनकी पॉपुलेशन पे भी असर पड़ता है, भाई इनको खाने को ही नहीं मिलेगा जो इनका फेवरेट फूड है, तो फिर इनके लाइफ में असर पड़ेगा। देन उसके बाद पर्सिक्यूशन ड्यू टू लाइफ स्टॉक प्रिडेशन, ठीक है, डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फेरल डॉग्स। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारे कुछ थ्रेट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर स्पीशी के लिए कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर सकते हैं। ओके सो इस तरीके के दोस्तों स्पीशीज बहुत सारे न्यूज में है, जैसे कि ये हो गया आपका हुलोक गिबन। ओके सो द टेललेस हुलोक गिबन इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया, द प्रिमेट इज नेटिव टू ईस्टर्न बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड साउथ वेस्ट चाइना। द हुलोक गिबन इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, ठीक है, दो टाइप्स हैं अगर आप देखोगे, ईस्टर्न हुलोक गिबन और वेस्टर्न। ठीक है, सो वेस्टर्न के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इट इनहिबिट्स इन ऑल द स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन द साउथ ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ईस्ट ऑफ द दिबांग रिवर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, रिवाइज करते रहना है। एंड आउटसाइड इंडिया अगर हम देखें, इट इज फाउंड इन ईस्टर्न बांग्लादेश एंड नॉर्थ वेस्ट म्यांमार। इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट। ठीक है, ये है इसकी कैटेगरी। देन उसके बाद अगर हम ईस्टर्न हुलोक गिबन की बात करते हैं तो इट इनहैबिट्स स्पेसिफिक पॉकेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम इन इंडिया एंड इन साउथ इन सदर्न चाइना एंड नॉर्थ ईस्ट म्यांमार आउटसाइड इंडिया। इसकी लिस्टिंग अगर हम देखें तो वल्नरेबल है अंडर द IUCN रेड लिस्ट। और दोनों ही स्पीशी इंडिया में WPA के शेड्यूल 1 में लिस्टेड है। तो आपको ईस्टर्न हुलोक गिबन और वेस्टर्न हुलोक गिबन का जो ये कंपेरिजन है, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो याद रखना है, साथ ही साथ इनकी जो लिस्टिंग है, ईस्टर्न वाला वल्नरेबल है, वेस्टर्न वाला इंडेंजर्ड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन दोनों के दोनों WPA के शेड्यूल 1 में ही लिस्टेड हैं। गेटिंग द पॉइंट?
देन उसके बाद बैथिनोमस रकासा, बैथिनोमस रकासा इसे समुद्री कॉकरोच भी कहा जाता है, कॉकरोच ऑफ द सी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रिसेंटली सीन इन द न्यूज कॉकरोच ऑफ द सी, उसके बारे में तीन स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो रिसेंटली साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेड द डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट सुपर जायंट आइसोपॉड स्पीशीज इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन, जिसका नाम है बैथिनोमस रकासा। A team of researchers from Singapore discovered it while exploring waters of the Indian Ocean in Banten off the southern coast of West Java in Indonesia in 2018. तो ये सुपर जायंट आइसोपॉड जो है बेसिकली बैथिनोमस रकासा जो है ये एक तरीके का सुपर जायंट आइसोपॉड है इन द जीनस बैथिनोमस। आइसोपॉड जो होते हैं दे आर मरीन इनवर्टिब्रेट्स। ओके, इनवर्टिब्रेट्स मतलब एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स। ओके, दैट बिलोंग्स टू द ग्रेटर क्रस्टेशियन ग्रुप ऑफ एनिमल्स व्हिच आल्सो इंक्लूड्स क्रैब्स, श्रिंप एटसेट्रा। दे लिव इन मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट फ्रॉम माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स टू द डीप सी। एंड आइसोपॉड्स दैट रीच 50 सेंटीमीटर आर रेफर्ड टू एज सुपर जायंट। और ये एक सुपर जायंट है, ठीक है। द लार्जेस्ट आइसोपॉड स्पीशीज आर फ्रॉम द जीनस बैथिनोमस, ठीक है। तो इसके कुछ फीचर्स आप यहां पे देख सकते हो। इट हैज 14 लेग्स और ये इसका यूज करता है ओनली टू क्रॉल अलोंग द बेड ऑफ ओशन इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है। खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाने में ये इसका यूज करता है। इसकी अगर हम लेंथ देखते हैं तो लगभग 50 सेंटीमीटर, जो कि आइसोपॉड्स के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी है। ओके, क्योंकि आइसोपॉड्स जो नॉर्मली होते हैं वो 33 सेंटीमीटर के ऊपर ग्रो नहीं करते, बट ये सुपर जायंट है, ये 50 सेंटीमीटर का है। द ओनली मेंबर ऑफ द स्पीशी दैट एक्सीड द रकासा इज द बैथिनोमस जाजेंटियस which is commonly found in the deep waters of the western Atlantic Ocean. Now as a scavenger, it eats the remains of dead marine animals such as whales, fish, but can also go for long periods without food, जो कि कॉकरोचों का एक trait है, वो मतलब बिना खाने के अच्छा खासा समय गुजार सकते हैं। Significance अगर हम देखें तो it is the first recorded species of the genus Bathynomus from Indonesia. It is the sixth supergiant species from the Indo-West Pacific and is one of the largest known members of the genus Bathynomus. Its discovery will contribute towards increasing knowledge about the deep sea. So, दोस्तों अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे पाइड कुकू के बारे में और उसके अलावा कुछ और स्पीशीज हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सो देखते रहिए और सीखते रहिए, काफी सारे स्पीशीज हैं जिनके बारे में हमें और अभी डिस्कशन करना बाकी है। कीप लर्निंग गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस यूपीएससी चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी। कोई भी डाउट्स हो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्दी।